इस वक्त हम बिहार विधानसभा के परिसर में यहाँ पर भाकपा माले के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, लिखा हुआ है बलात्कार महिला हिंसा में वृद्धि क्यों, नीतीश सरकार जवाब दो, महिला सुविधा के लिहाज से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करो। हम खुद बात करेंगे, सर क्या है ये, क्यों आप लोग बैनर पोस्टर लिए हुए हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, नीतीश जी महिलाओं के प्रति कह रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं। मेरी मांग है कि बगल में ही देख रहे हैं कि रसोईया प्रदर्शन कर रही है, ममता और आंगनबाड़ी सेविका ये कम मानदेय पर हैं और भत्ता कम मिल रहा है। सबसे पहली मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका को परमानेंट नौकरी लगनी चाहिए और ख़ास तौर से बिहार विधानसभा के अंदर में महिलाओं के लिए, अगर ये नीतीश जी लगातार सुधार की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली मांग है कि महिलाओं के लिए अलग से लॉबी का निर्माण किया जाए जहां महिलाएं बैठ सके, आराम कर सके। हमारे साथ और भी पार्टी के विधायक हैं, आपने लिखा हुआ है बलात्कार महिला हिंसा में वृद्धि क्यों, नीतीश सरकार जवाब दो। लेकिन नीतीश सरकार तो सर कहती है कि हम तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, हमारे आने के बाद से बहुत कुछ बदला है बिहार में, तो क्या ये सब वादे जो है आपको सब झूठे लग रहे हैं? नहीं नहीं, वादे सिर्फ मुझे झूठे लग रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा में कह रहे हैं कि महिलाओं का हमने काफी विकास कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पटना के गाय घाट में महिलाओं के साथ शेल्टर होम उत्पन्न हो रहा है, कस्तूरबा गांधी जितने विद्यालय हैं लड़कियां पढ़ती हैं वहां पर उनके उत्पीड़न की घटनाएं सरेआम आती रहती है और लगातार पूरे बिहार में महिलाओं को फ्री का वर्कर बना दिया गया है। आशा वर्कर को कोई पैसा नहीं मानदेय नहीं, आंगनबाड़ी का कोई मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, जीविका दीदियों का लॉकडाउन होने के बावजूद जो है उनका लोन माफ नहीं किया गया, तो कैसे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा? तो जो भी कहा जा रहा है वो एक ढोंग है, झूठ है और फरेब है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है बिहार में उसको लेकर के हम खड़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर सदन में आए हुए हैं पार्टी के विधायक और लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। हम आपको और भी अन्य विधायकों से जो है भाकपा माले के उनसे बात कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गाय घाट सुधार गृह की न्यायिक जांच कराओ। CPIML विधायक हैं, सर क्या किस तरह की जांच आ रही है मामले में? आपको जानकारी है कि ये बाल गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ लगातार घटनाएं घट रही है। आज मुजफ्फरपुर में किस तरह की घटना घटी वो आप देखे हुए हैं, फिर गाय घाट में लगातार ये दूसरी बार घटनाएं घट रही है। इस सरकार में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग बिहार विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि गाय घाट बालगिरी की जांच हो और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही वैशाली जिला के तिस्यौता थाना के ग्राम शाहपुर में जिस तरह से बच्ची को अपहरण करके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गवाहों को गिरफ्तार करके और पीट करके गवाही बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है, हमारी पार्टी के मानना है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम महिलाओं के सुरक्षा और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस मौके पर यहाँ पर भाकपा माले के सभी विधायक जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं यहाँ पर उसको उठा रहे हैं और महिलाओं के लिए न्याय की गुहार नीतीश सरकार से लगा रहे हैं। शशांक कुमार, ABP News, पटना। ABP News आपको रखे आगे।